और आज के ब्लॉग में शुरू कर रही हूँ। इट्स 5:40 इन द इवनिंग और मैं हूँ किचन में आई हूँ कुकिंग करने के लिए। यहाँ है छोले गल रहे हैं और मैंने सोचा आज पूरी छोले बनाते हैं। और बाय द वे पूरी छोले की रेसिपी आई डोंट नो वेदर आई विल शेयर टुडे और नो, बट टुडे आई वांट टू शेयर हाउ आई एम गोना यूज दिस इलेक्ट्रिक ब्लेंडर। मैं मेरे ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा मैं हैंड ब्लेंडर बहुत यूज़ करती हूँ, बट वो रिसेंटली टूट गया एंड आई वॉज वेटिंग कि जब वो टूटेगा आई बाई अ इलेक्ट्रिक वन एंड फाइनली आई बॉट इट। सिटी सेंटर में बहुत अच्छा सेल चल रहा है, फ्रॉम 50% टू 90% मुझे सिटी सेंटर से मिला है कैरफोर से। और ये है कास्ट आयरन की कढ़ाई। मेरे बहुत से दोस्त यूज़ करते हैं कास्ट आयरन की कढ़ाई, बोलते हैं कि इट्स वेरी हेल्दी टू कुक इन कास्ट आयरन कढ़ाई, सो आई बॉट इट वन। बट मुझे इसे सीजन करना नहीं आता, तब तो सीजन किया नहीं है कास्ट आयरन की कढ़ाई को, आज पहली बार कर रही हूँ। और सीज़न करने के बाद कुकिंग इसमें करना शुरू करूँगी, क्योंकि जिससे इफ यू आर नॉट यू सीजनिंग द कढ़ाई प्रॉपरली वी कांट यूज़ इट ऑल्सो। तो चले देखते हैं, आज मैं मेरे ब्लॉग में कढ़ाई सीजन करूँगी, दैट द कास्ट आयरन कढ़ाई। एंड ऑल्सो आई एम गोना फर्स्ट चॉप द अनियंस इन दिस एंड सी वेदर आई डिड द राइट थिंग बाय बाय चॉपर, नॉट द ब्लेंडर, इलेक्ट्रिक चॉपर, क्योंकि मुझे चॉपर बहुत अच्छा लगता है यूज़ करने, क्विक हो जाता है। 3-4 अनियंस होते हैं, चॉप करना है, अगर ईजिली चॉप हो रहा है तो वाई नॉट, इट इज़ अ मस्ट इन एवरीबॉडीज किचन। एंड आई वॉज डन विथ यूजिंग द हैंड ब्लेंडर, बट आई मीन सॉरी द हैंड चॉपर। सो देखते हैं आज मैं वही यूज़ करूँगी मेरे ब्लॉग में और लेट्स बिगिन द ब्लॉग। ये देखें, दिस इज़ द कास्ट आयरन कढ़ाई। पहली बार मैंने कोई कास्ट आयरन की शॉपिंग की है, क्योंकि अब तक तो मैंने खरीदी नहीं। और ये रहा विंटेज एवीएट ब्रांड का, ये बहुत हेवी है एक्चुअली, दिस इज़ वेरी हैवी। एंड मैंने ढूंढा कोई ग्लास वाला, लेकिन मुझे ग्लास वाला मिला नहीं। इट कम्स लाइक दिस विद दिस ब्लेड एंड जस्ट हैव टू फिक्स इट, ऐसे बंद करके बस इसको ऐसे लॉक करना है, दैट्स इट। तो अभी मैं इसको वॉश कर लेती हूँ और मैं सबसे पहले तो इसमें अनियन से चॉप करूँगी, क्योंकि मुझे चाहिए छोले बनाने के लिए अनियन। तो ये मैंने धो लिया है और अभी इसको ड्राई कर लेते हैं। ये प्लास्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, आई होप इट इज गुड एंड इट कम्स फॉर लॉन्ग लास्टिंग। प्याज डालते हैं और देखते हैं हाँ। तो ले लिए मैंने 3 प्याज, डाल दी मैं 3 प्याज, हाफ कर दिया है बस। क्या मैं सबसे पहले लॉक इसको, हाँ देर इज वन सिंगल लाइन एंड वन डबल लाइन ओवर हियर। So, oh, it's like that. Single line में ही हो गया, माशाल्लाह। डबल लाइन में क्या हो गया, ओ वाओ, आई एम इम्प्रेस, ओह माशाल्लाह, जस्ट हैव अ लुक, आई एम वेरी इम्प्रेस। अभी मेरे आँख से मैं काट के प्याज आ रहा था, मेरे आँख में पानी आ गया, सो आई एम नॉट क्राइंग एनी वेज, बट आई एम वेरी हैप्पी। जस्ट चेक आउट, सिर्फ 3 प्याज डाले और इतना बारीक पिसा है। सो हैंड चॉपर से इलेक्ट्रिक चॉपर इज रियली अ वेरी 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 गुड थिंग फॉर एवरी वन टू हैव इट इन द किचन, आई वुड से एवरी वन शुड हैव वन। तो वैसे कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं यूज़ कर रही थी तो इसलिए मैं मेरे ब्लॉग में भी दिखा रही हूँ। तो अभी है कास्ट आयरन की बारी। सबसे पहले अगर मैंने चॉप किया है तो आई विल ऑल्सो सॉटे द अनियंस एंड मेक द मसाला फॉर द छोले एंड देन आई विल वॉश द वॉश द कास्ट आयरन कढ़ाई, देन आई हैव टू सीजन इट। मैंने बहुत लोगों से पूछा जो यूज़ करते हैं, तो एटलीस्ट कंटिन्यूस 1-2-3 दिन सीजन करेंगे और उसके बाद यूज़ करेंगे, तो इट विल बी एडवाइजेबल टू यूज़। तो देखती हूँ मैं यूज़ करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
electric chopper to वैसे it's meant to chop all the solid vegetables and also we can make minced mutton and minced chicken. जब भी minced mutton बनाए तो boneless mutton use करें और boneless chicken use करें. We should never use with the bones. और liquidy चीज़ें तो avoid ही करना चाहिए जब भी chopper use करते हैं, electric chopper specially. क्योंकि अगर बहुत liquidy चीज़ें use करेंगे तो juice might splash out. But मैंने tomato try किया chop करके, so आसानी से chop हो गया tomato. और यहाँ मैं chop कर रही हूँ boiled chickpeas भी, but you should never add water. As I said, it's meant to chop the solid things. तो मैंने boiled chickpeas भी chop कर लिए बहुत ही आसानी से. ये देखें कितनी आसानी से without taking no time in just 2 to 3 seconds chop हो गए chickpeas. So as I said, it's really a very important thing in everybody's kitchen. It will make our work very easier. कास्ट आयरन की कढ़ाई तो वैसे मैंने ना वॉश की ना सीज़न करके रखा, क्योंकि मुझे मटन स्ट्यू बनाना था. तो मैंने सोचा कास्ट आयरन की कढ़ाई मैं कल वॉश कर लेती हूँ और मेरे अगले व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने कैसे सीज़न किया. तो चले अभी मैं शुरू कर रही हूँ बनाना अम्मी के स्टाइल में मटन स्ट्यू, टोटली इन माई मॉम स्टाइल. मैंने ले लिया है थोड़ा सा तेल अलॉन्ग विद घी. उसे मैंने ऐड किया 1 sliced अनियन, 2 sliced टोमेटोज और ये रहा गरम मसाला. मैंने लिया है 7 to 8 पेपरकॉर्न्स, 1 सिनेमन स्टिक और 2 क्लोव्स. इसको भी ऐड कर लें. और मटन के पीसेस लिए हैं मैंने 6 to 7 मटन पीसेस, थोड़े नली वाले लिए हैं और थोड़े बोन्स विद मटन लिए हैं. मटन स्ट्यू में यूजली तो बोन्स ऐड करती हूँ, लेकिन यहाँ मैंने प्रॉपर मटन के पीसेस ऐड किए हैं. तो इसको अच्छे से स्टर कर लें और रेस्ट ऑफ द मसालाज भी ऐड कर लेते हैं अभी. तो मसालों में कुछ ज़्यादा नहीं, जिंजर गार्लिक पेस्ट जस्ट 1 teaspoon जितना लिया है मैंने, और नमक 1 teaspoon एज रिक्वायर्ड, थोड़ी रेड चिली पाउडर और मिंट लीव्स अगर घर में हो तो वो भी ऐड कर लें. मिंट लीव्स गिव्स अ वेरी गुड टेस्ट इन द सूप. और थोड़ा चॉप्ड कोरिएंडर. हाई फ्लेम पर सॉटे करें फॉर 4 to 5 मिनट्स, जब तक कि टोमेटोज कम्प्लीटली सॉफ्ट ना हो जाएँ और अच्छे से पक जाएँ. तो ये देखें आफ्टर 5 मिनट्स टोमेटोज तो कम्प्लीटली सॉफ्ट हो चुके हैं. बेसिकली हम सॉटे इसलिए करते हैं क्योंकि जो गोश है, प्याज है, जो मसाले हैं, सारे अच्छे से सॉटे हो जाए. नथिंग शुड बी अनकुक्ड और उसके बाद ही हम पानी ऐड करेंगे. सूप के लिए मैं ऐड कर रही हूँ अभी फ़िलहाल 2 ग्लास पानी और लिड बंद करके मैंने 5 मिनट के लिए पकाया जब तक कि ऐसा बॉयल ना आ जाए. जब ऐसा बॉयल आ जाए तो लिड बंद करके सीटी लगा के 8 से 10 सीटी के लिए पकने के लिए रख दें. और सो हियर इट इज़, 8 से 10 सीटी के बाद कुकर खोला तो पानी ऑलमोस्ट थोड़ा एवेपरेट हो चुका है. नाउ टाइम टू ऐड सम मोर वाटर और ऑल्सो चख ले नमक और मिर्ची सही है क्या. मुझे थोड़ी नमक कम लगी, थोड़ी मिर्ची भी कम लगी, तो इसलिए मैं थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ. इससे और मज़ेदार हो जाएगा सूप, क्योंकि मैंने सिर्फ पेपरकॉर्न्स ऐड किया था और बहुत ही कम रेड चिली पाउडर. सो हियर आई एम एडिंग 1 more glass ऑफ वाटर. और फिर एक बॉयल आने के बाद मैंने इसको ऐसे छान लिया, क्योंकि सूप में अगर प्याज, टमाटर और सारे मसाले आते हैं तो मज़ेदार नहीं लगता. स्पेशली कुकू तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगी और बच्चे बिल्कुल एंजॉय नहीं करते सूप, अगर सूप में इतने सारे मसाले होते हैं. तो आई प्रिफर एंड ऑल्सो सजेस्ट कि ऐसे सूप के सारे इन्ग्रीडियंट्स को सूप बनने के बाद ऐसे छान लें तो अच्छा रहेगा, मज़ेदार भी लगेगा और बच्चे बिना नाटक करे सारा सूप आराम से पी भी लेंगे और उनको पसंद भी आएगा एंड दे विल डेफिनेटली आस्क टू मेक इट अगेन. तो ये रहा सूप तैयार, सिर्फ एक बॉयल आने तक मैंने पकाया और नाउ रेडी टू सर्व. सो चले टाइम टू वाइंड अप द व्लॉग. अगर आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग पसंद आया है, मेरी व्लॉगिंग्स पसंद आती है, मेरे डिशेस पसंद आते हैं, ऑल दीज रेसिपीज पसंद आते हैं, तो डू गिव अ थम्स अप एंड ऑल्सो मेरे व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें नाजोस व्लॉग्स को. एंड यस, टेक केयर, बाय एंड सायोनारा, अल्लाह हाफिज़.